नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर लाइव टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर शहर के घंटाघर पर आज बीकॉम और बीएससी के छात्रों ने अंक तालिका में अंक प्रदर्शित नहीं होने से नाराज छात्रों ने शहर की हृदयस्थली घंटाघर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने पर आक्रोशित छात्रों को शांत कराकर उन्हें वार्तालाप के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय ले जाया गया, जहाँ पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद एवं एसडीएम सदर संतोष कुमार उपाध्याय सदर चौकी इंचार्ज राहुल राठौर द्वारा छात्रों को समझाया गया एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े अधिकारियों से फोन पर वार्तालाप कर समस्या के निदान के लिए वार्तालाप हुई। तो वहीं आक्रोशित छात्रों का कहना है कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि समय से न्याय नहीं मिलने पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा वह महरौनी के बड़ौनिया महाविद्यालय को दोषी मानते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और बच्चे जो ग्रेजुएशन के हैं, बच्चों की दो शिकायत थी। एक तो ये कि कुछ बच्चों के नंबर चढ़े नहीं है मार्कशीट पे उनके। दूसरा, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि उन्होंने एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन वो फेल हो गए हैं। संभवतः फेल उनमें से कई बच्चे इसलिए हो गए थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस बार आया था, परंपरागत टाइप का पेपर नहीं आया था। तो इस संबंध में बच्चों ने यहाँ घंटाघर पर अपना जो है अपनी बात को रखी थी। तो अभी मैं था और हमारे नेहरू महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब थे और उनकी और टीम के लोग थे। तो यूनिवर्सिटी से बात हुई है हम लोगों की। यूनिवर्सिटी के अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने बताया है कि उनके यहाँ बात हो गई है और इन बच्चों के जो भी गलतियां हैं उसको एक हफ्ते में सुधारा जाएगा। ये प्रदर्शन इस बात को लेकर किया जा रहा है, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है इसकी लापरवाही और बड़ौनिया कॉलेज की लापरवाही के चलते हम लोगों के अंक नहीं दर्शाए गए, जिसको लेकर हम लोगों के अंदर बहुत हमारा पैसा बहाया है और लेकिन हम लोगों के रिजल्ट नहीं दर्शाए, अंक नहीं दर्शाए गए, जिससे हम लोगों के भविष्य का सवाल बना हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आगे की पढ़ाई जारी नहीं रह सकती अगर अंक नहीं आएंगे। और कुलपति महोदय ने 7 तारीख तक का आश्वासन दिया था, किंतु ऐसा कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया है। उल्टा ये आश्वासन दिया है कि आप 500 रुपये देकर अपनी कॉपी पुस्तिका उत्तर पुस्तिका चेक करवा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या का उन्होंने निदान नहीं किया है, जिसको लेकर हम लोग अगर ये समस्या का हल नहीं होता है तो अभी तो 100 छात्र हैं, अगर समस्या का हल नहीं होता है तो 1000 छात्र हाईवे जाम करेंगे और रोड जाम करेंगे ऐसे ही, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बनी हुई हम लोगों का भविष्य का सवाल है। ललितपुर जिले के थानापाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एरावनी में आबकारी विभाग एवं थानापाली पुलिस ने ग्राम एरावनी स्थित कबूतर डेरा पर संयुक्त कार्रवाई करते 60 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित मौके पर ही 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। ललितपुर में आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार ने जिला मुख्यालय से शहर की नेहरू नगर स्थित अंग्रेजी एवं देशी शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण। ललितपुर लाइव टीवी क्लिप महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रेखवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तालबेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत झरर घाट से अवैध खनन कर लाई जा रही लाल मोहरंग से भूमि समतलीकरण के 2 पक्षों में हुई भिड़ंत। जैसा कि आपको बताते चलें कि झरर घाट की पहाड़ियों से अवैध खनन लाई जा रही लाल मोहरंग से ग्राम कड़ेरसा कला में मिट्टी डालकर जमीन समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था। समतलीकरण के कार्य को लेकर 2 पक्षों में राकेश पाल और सुखराम पाल के बीच विवाद हो गया। दरअसल ये पूरा मामला हाईवे की जमीन पर दोनों पक्षों द्वारा अपना अधिकार बताने को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर पहुंची डायल 112 नंबर पुलिस द्वारा अवैध खनन कर लाई जा रही मिट्टी से हो रहे समतलीकरण को रोका गया, जिसके चलते बड़ी घटना होते होते बची। ललितपुर शहर में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा कर आरती उतारी। भक्तों ने नगर के अलग अलग क्षेत्रों में हुए कई धार्मिक आयोजन हुआ, नगर में माँ की आराधना और भक्ति में डूबा। पेश है विशेष झलकियों के साथ विस्तृत रिपोर्ट। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की रिपोर्ट। Oh, my God.
आइए डालते हैं एक नजर अब ललितपुर जिले के कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के सभी अलग अलग क्षेत्रों से आए फरियादियों की क्या समस्या है और उन समस्याओं को लेकर क्या है कहना उनका। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जी क्या नाम है आपका? हमारा जाहर। कहां से आए हैं? इसोली। क्या समस्या लेकर आए? हमारी समस्या ये है कि जून के महीना में लाइट वाले आए सो भैंसियन के लाने, थोड़ी मोटर चला उठते, हमने ध्यान नहीं रखा है और फसल पे हम रसीद भी कटा उठते 12,000, हमारे ऊपर मुकदमा काट दिया है, 43,000 का जुर्माना है। गरीब आदमी हम कहाँ से भरेंगे? हम विकलांग हैं और गरीब आदमी हैं, कहाँ से भरें? हम रसीद भी कटाते हैं फसल पे 12,000 रुपया भर के, हम ये भी कटाते हैं, सिर्फ भैंसियन वैसियन के लाने थोड़ी चला उठते, हमने नहीं समझा। एक महीना का हम बिल काट देने तो एक महीना का हम पैसा भर देंगे, 43,000 कहाँ से भरें? विकलांग आदमी। हमारे छोटे भैया बारी कर रहे थे तो वे अपनी जेरी लेके चले आए, तो बोले कि तुम मारने के लिए चले आए, बस उनने जे नेट पर डाल दिया मोबाइल में, छोटी मोटी धमकी दिखा दे कैसे दिया। हमने 5,000 रुपया भी कही कि आप 5,000 ले लो, हमारी समस्या हल कर दो, तो हमने 5,000 भी नहीं ले जाए, कहीं और ऐसे काट दिया। अब ललित पर हमने जमानत भी कराई इतने छोटे भैया, वो जानता भी नहीं जाए इतना, पर मैं बड़ा हूँ घर में, हमारे पिताजी के बस की बात नहीं रही, अब माने इतना नहीं कर सकते हैं कि वे जाएंगे कहीं निपटेंगे। आज आप कहाँ आए? आप हम डीएम साहब ने आए। क्या मांग रहे हैं? ये समस्या सुनाने के लिए। ये क्या नाम है आपका? अशोक प्यारा। कहाँ से आए हैं? सेमराडांग। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? दीवानी समस्या ये है कि हमारे चाचा जी धनी राम ख़त्म हो गए थे 1987 में, तो एक परिवार के वीरन सनोप झुंडी ने, वीर सिंह सनोप खुंदी बनकर हमारे काका धनी राम की जगह की लेखपाल से मिलकर फर्जी विरासत करा ली। इस संबंध में डीएम साहब को भी हम दो बार गए चुके और तहसीलदार और एसडीएम साहब को भी गए चुके, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना जांच हुई। धनीराम की जगह जो विरासत हुई उसके नाम धनीराम कुंडी और वीर सिंह कुंडी के कोई कागजात उसके साथ तो लगे होंगे ना, आज तक मुझे कोई कागजात मिला। जनसूचना के तहत भी हमने तहसीलदार साहब से मांगे, लेखपाल साहब से भी मांगे, आज तक कोई कागज हमें उपलब्ध नहीं कराए गए। आज आप कहाँ आए? आज हम जिला कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के पास आए। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि जो फर्जी काम करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हम जैसे विकलांग लोगों को न्याय दिलाया जाए। हम ना तो मुकदमा लड़ सकते हैं और ना हमारे पास इतना पैसा है कि रोज रोज हम भक्के यहाँ आ सकते हैं। मैं तो अधिकारियों से ही आशा है कि हमारे साथ न्याय होगा। दस राय से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? जो समस्या है कि खेत चार बजे खेत रोकने गए थे तो कुशम और मीन अनीता और मीना और तुलसी उत्तम और का पवन सब लोग गाड़ी दे रहे थे कि क्यों तुम खेत रोक रहे हैं, तो हमने जाकर कि काहे हम आओ खेत या तो रोक रहे, इतने में गोटी बोले कल लाए के काहे तुम काहे रोक रहे हैं खेत, कल लाए हटो एक बजाओ, कल लाए ना हम ट्रैक्टर चढ़ा दें ट्रैक्टर चढ़ा दें। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? की थी। क्या कार्रवाई हुई? उनने हमारी झूठी बच्ची की बदनाम कर दी। आज आप कहाँ आई हैं? आज हम ललितपुर आए हैं। आज हम डीएम साहब के नेहाय करने के लिए। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरें एवं आगे की खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आपको ललितपुर जिले की छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।